हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। मतलब आपको इंटरव्यू से पहले भी एक दो महीने पहले आपको ये रिसर्च प्रपोजल जो है वो रेडी करना होता है। डिपेंड ये आपका मतलब नॉलेज बैकग्राउंड कैसा है, आपको डेटा उस पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर उसको प्रिपेयर करने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, किसी किसी का 15 दिन में भी हो सकता है, किसी किसी को महीना भी लग सकता है, क्योंकि अगर आप अलॉन्ग विद दैट जॉब वगैरह कुछ कर रहे हो तो बेसिकली सबसे पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय रिसर्च प्रपोजल। तो बेसिकली हमने देखा है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं या फिर कोई बड़ा जो है बुक वगैरह लिखने को हम अगर जाते हैं, तो इससे पहले का जो स्टेप है ना, तो वो ये है कि आपके जो स्टडी है, आपका जो बुक है या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, आपको उसके बारे में क्या क्या पता है एंड आप नया क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले लिखा है उसी को कॉपी किया और उसी की बुक छपवाई या उसी पर प्रोजेक्ट फिर से किया, तो इसमें नया कुछ भी नहीं रहेगा और आपको उतनी ज़्यादा जो है उस प्रोजेक्ट को मतलब कि रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाएगी। मतलब रिसर्च में ये होता है कि आपको जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहते हो रिसर्च, तो उससे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना पड़ता है। मतलब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि जिसके थ्रू आप जो भी कंसर्न यूनिवर्सिटी है या फिर सेंटर है आपके रिसर्च का, तो आप उनको ये बताते हो कि यस, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं इसमें रिसर्च इसलिए करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको उसका रीज़न बताना है कि क्यों करना चाहते हो आप। ठीक है, और इसके ऊपर पहले किस किस ने स्टडी की है या रिसर्च किया है ऑलरेडी, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके बाद ओके, ठीक है, आपको ये पता है, बट आप अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो कि जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो सके, तो ये इसका मेन पर्पज़ रहता है। सो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल जो है तो वो टोटली सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो सकता है आगे चल के, आपके पूरे 3, 4, 5, 6 साल जितने भी टाइम पीरियड आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि इतने साल आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए जो है बेनिफिट होना ही चाहिए, अदरवाइज़ इसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। तो ये अगर आपने कन्वे किया आपका जो भी स्टडीज़ का पर्पज़ है या गोल है, तो डेफिनेटली आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइटल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर आपके जो भी कंटेंट है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको वो ठीक करना पड़ता है। एंड बाद में सारा रिसर्च प्रपोजल पूरा एग्जैक्टली परफेक्टली रेडी हो जाने के बाद वो कंसर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव हो जाता है, एंड अप्रूव करने के बाद ही आपका जो एडमिशन है आप समझ सकते हो कि कंफर्म हो जाता है। और ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये आपको कंसर्न आरआर कमेटी के सामने जो है जाके प्रेजेंट करना होता है, जिसके थ्रू आरआर कमेटी उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके कि हमें इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आगे रिसर्च करने के लिए परमिशन देनी है या नहीं देनी। ओके, सो आई होप यू विल गेट द सफिशियंट नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो बिफोर दैट प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन सो दैट एवरीवन गेट्स रिलेवेंट वीडियोज। सो देखिए, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो इसमें टाइटल पेज आएगा, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा कि आपका जो टॉपिक है उसका नाम, उसके बाद जो है वो एकेडमिक टाइटल, मतलब कि प्रॉपर अ स्टडी ऑफ या स्टडी ऑन वट एवर आप जिस पे स्टडी करना चाहते हो उसका जो है वो टाइटल रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपके जो भी यूनिवर्सिटी है या आपका जहाँ पे आप ये प्रपोजल सबमिट करना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे होना चाहिए। ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे रिसर्च स्टूडेंट एंड राइट हैंड साइड पे रिसर्च गाइड, इनके सिग्नेचर के लिए आपने जो है वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, इस तरह से आपका रहेगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन यानी कि क्या, कि आपको आपके टॉपिक के बारे में क्या पता है या आपको अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है उस पर्टिकुलर कंसर्न यूनिवर्सिटी को आपके रिसर्च प्रपोजल के थ्रू। जैसे आप कभी जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो कौन सा सवाल पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तभी उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछ सकेंगे वो। ओके, तो इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए प्रपोजल का, कि आप एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का क्या बैकग्राउंड है, मतलब आपको उसके बारे में क्या क्या पता है,
उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या जो ऐसे प्रॉब्लम्स है आपके टॉपिक में जो जिस पे आप स्टडी करके सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। तो देखिए, फॉर विच पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब ये जो आपका स्टडी है तो वो कौन से पार्ट के या कौन से सेक्शन को बेनिफिट देने वाला है, कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड रहेगा। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, CS, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट को भी इसकी मदद हो सकती है। पॉलिसी मेकर्स, मतलब गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो होती है, पब्लिक प्राइवेट, एंड पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अलग अलग मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, ठीक है। पुअर पीपल होते हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल्स होते हैं, वुमेन्स होती है, मेल्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इस तरह के अलग अलग सेक्शंस। तो किसको मदद मिलने वाली है इस स्टडी से। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ पे कि प्रीवियसली इसके ऊपर कौन से लॉज हैं या किसने किसने काम किया है, इस तरह से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। बैकग्राउंड यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि आपको जनरल इसके बारे में क्या क्या पता है। उसके बारे में ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने दे तो दी, बट रिसर्च गैप क्या है यहाँ पे, मतलब लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत सारा रिसर्च किया तो है, बट फिर भी उसमें से कुछ ऐसा है कि जो जिस पे उन्होंने रिसर्च नहीं किया, किसी ने भी रिसर्च नहीं किया है, जिस पे आप करना चाहते हो अभी इस स्टडी के थ्रू, ठीक है, ये आपको वहाँ पे बताना है। न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू योर रिसर्च, मतलब आप इस स्टडी में क्या अपना नया इनपुट देना चाहते हो जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो सके और कुछ नया इनोवेटिव मिल सके। व्हाई दिस रिसर्च वर डूइंग, ये रिसर्च आप क्यों करना चाहते हो, मतलब इसका इतना क्या इंपॉर्टेंस है कि जिसके लिए आप 4-5 साल अपने इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके फाइन, सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे जो भी रिसर्च स्टडी है आपका, तो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है कमी रही होगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिखा है, ठीक है, इसीलिए आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये स्टडी आप करने जा रहे हो। तो उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देना रहेगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर, कौन से ऐसा जो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, ठीक है, या फिर कुछ अभी टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत सी हो चुकी है, तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी है, कुछ वीकनेसेस भी है, क्या क्या वीकनेसेस है और ये किस तरह से पॉजिटिव या फिर स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह के अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, देन आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस, उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या फिर कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कभी कभी कस्टमर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो इसका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर आप दो तो क्लियर पता चलेगा कि वॉट इज़ द प्रपोजल इज़ अबाउट। नीड एंड रैशनल ऑफ स्टडी, मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, रैशनल मतलब लॉजिकल, यहाँ पे रीज़न के साथ आपको बताना है कि क्यों इस स्टडी की ज़रूरत है। उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड रिलीवेंस, ये अपने पर्सपेक्टिव से बताना है कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये चीज़ें हो रही है तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे और उसको एलाबरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, तो बेसिकली आप कोई भी चीज़ अगर करते, देखिए हम स्कूल के टाइम या कॉलेज में हम प्रोजेक्ट्स करते थे अलग अलग तरह के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वहाँ पे भी हम पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे। ऑब्जेक्टिव से हमें ये क्लैरिटी मिलती थी कि हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करने जा रहे हैं, मतलब है ना कि स्टार्ट विथ व्हाई, क्यों करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको फाइंड आउट करना है, टू स्टडी दिस, टू एनालाइज दिस कॉन्सेप्ट, टू डिफाइन दिस एरिया, टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो इस तरह से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करने हैं और उसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप आगे चल के क्या करने वाले हो, अपने हाइपोथेसिस बनाने वाले हो। सो व्हाट इज़ मीन बाय हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस सिंपली मीन्स दैट कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपके प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने वाला, ओके, कि आप पर्टिकुलर किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, इसको डिफाइन करने वाला जो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट हो भी सकता है, बट कभी कभी गाइड भी इसमें चेंजेस करने के लिए बोलते हैं। और हाइपोथेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस एंड एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस मतलब क्या, कि जो भी दो वेरिएबल्स है तो उसका एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं जिसका आप स्टडी करने जा रहे हो तो उसका एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, या तो वो पॉजिटिव रहेगा या तो वो निगेटिव रहेगा, ओके। तो अभी आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि वेरिएबल्स यानी कि क्या। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो टीचर एक वेरिएबल हो गया और टीचर एक वेरिएबल हो गया। या फिर अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डिजिटल जो भी आज लर्निंग की चीज़ें अवेलेबल है, जैसे प्रोजेक्टर है, डिजिटल मीडिया या ये सारी चीज़ें, ई लर्निंग जो है,
तो ई लर्निंग एक वेरिएबल हो गया एंड स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये एक वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये दो वेरिएबल्स मतलब नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि इन दोनों वेरिएबल का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ई लर्निंग का कोई भी एज मच कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब क्या कि ये पॉजिटिव डिफाइन कर सकता है, मतलब कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं ई लर्निंग के या तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं ई लर्निंग के। आया समझ में? आई होप आपको हाइपोथेसिस के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद है तो ये हाइपोथेसिस हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद वर्किंग डेफिनेशंस मतलब उस पर्टिकुलर जो भी आप की टर्म्स यूज़ करने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्टडी करना चाहते हो कि अ स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ई लर्निंग मेथड्स यूज्ड बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ई लर्निंग की जो भी मेथड्स है तो उसका स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आप स्टडी करना चाहते हो। तो इस पर्टिकुलर टाइटल में आपको क्या क्या कीवर्ड्स नजर आए, तो बेसिकली एक तो है ई लर्निंग, बेसिकली मेन जो है ई लर्निंग। ई लर्निंग की जो की डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे बतानी है, वर्किंग डेफिनेशन। ओके, बाद में स्टूडेंट क्या, परफॉर्मेंस क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद स्कोप एंड लिमिटेशन। तो स्कोप मतलब क्या कि स्कोप मतलब सिंपली मीन्स अगर आप पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड कवर करना चाहोगे अपने स्टडी में तो ये 4-5 साल में तो पॉसिबल है ही नहीं, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप स्पेसिफिक मतलब कि आप पर्टिकुलर कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, मतलब कि यूनिवर्सिटी में आप ये स्टडी करना चाहते हो यूनिवर्सिटी बेसिस पे, स्टेट लेवल पे करना चाहते हो, सिटी लेवल पे या विलेज लेवल पे या लोकल लेवल पे करना चाहते हो, उसमें भी आप कोई एक स्कूल को टारगेट कर रहे हो क्या या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को टारगेट कर रहे हो क्या, उस कॉलेज में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप टारगेट कर रहे हो क्या। ठीक है, तो स्कोप मतलब क्या कि पर्टिकुलर आप जो भी स्टडी करना चाहते हो वो किस लेवल तक सोसाइटी को मदद कर सकता है आगे चल के, ये हो गया आपका स्कोप। लिमिटेशंस मीन्स व्हाट कि आप सारा का सारी स्टडी नहीं कर रहे हो, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही स्टडी करना चाहते हो जिसकी वजह से वो जो आपका स्टडी है वो इफिशियंटली आप प्रेजेंट कर पाओ। तो अप टू विच एक्सटेंट और हाउ मच पार्ट और सैम्पल यू आर गोइंग टू स्टडी। सैम्पल मतलब मैंने बताया था कि जो भी आप पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कौन सी चीज़ें स्टडी करना चाहते हो वो होता है आपका सैम्पल। ठीक है, सो पूरी पॉपुलेशन में से अगर आप स्टूडेंट को ही टारगेट करना चाहते हो तो वो हो गया आपका सैम्पल, स्टूडेंट्स आपका सैम्पल हो गया। उस पूरे स्टूडेंट्स में से आप 500 अगर स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहते हो वो हो गया आपका सैम्पल। तो ये हुआ आपका लिमिटेशन, मतलब सारी की सारी चीज़ें नहीं, तो आप स्पेसिफिक जा रहे हो उसमें आप नागपुर सिटी को ही स्टडी कर रहे हो तो ये हो गया आपका लिमिटेशन। आया समझ में? सो लिमिटेशन को भी आपको डिफाइन करना है कि जिसकी वजह से क्लियर हो पाए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो सफिशियंट है कि नहीं उस पर्टिकुलर स्टडी को करने के लिए। उसके बाद है रिसर्च डिज़ाइन। सो व्हाट डज दिस मीन, रिसर्च डिज़ाइन मतलब कि आप किस वे से किस मेथड्स को यूज़ कर रहे हो अपने स्टडी पे, जैसे कि क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, उसके बाद सैम्पल के कौन से टाइप्स यूज़ कर रहे हो, रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, इस तरह से डेटा कलेक्शन की कौन सी मेथड्स यूज़ करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन में जो है वो मेंशन करोगे। उसके बाद है टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपका एक बार कलेक्ट हो गया, आपने उसको प्रेजेंट भी किया, बट अभी उसको जो है आपको एनालाइज करना है, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं, और उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है, न्यूमरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उसको आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है SPSS जो सॉफ्टवेयर रहता है वो यूज़ हो सकता है, यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं हम, और इस तरह के स्टाटा है एक अलग और एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मेंडले है रेफरेंस के लिए, रेफरेंसेस को दिखाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका प्रपोजल जो है वो अधूरा हो सकता है। ये क्या दिखाता है कि आप वहाँ पे क्या दिखाओगे कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके इतना इतना लिखा है, मतलब आप उसको थोड़ा अपने शॉर्ट समरी टाइप, उसका जो भी थेसिस रहेगा उस पर्टिकुलर ऑथर का जो भी स्टडी रहेगा उसमें से छोटा सा पार्ट आप अपने जो प्रपोजल है उसमें मेंशन करोगे कि इस ऑथर ने इस टॉपिक में ये स्टडी किया है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में। तो इस तरह के थोड़े से एक 6-7 लिटरेचर रिव्यू भी आप अगर लिखोगे अपने रिसर्च प्रपोजल में तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि यस आपने इसका थोरू बैकग्राउंड नॉलेज लिया है, ओके, और उसके बाद ही आप जो है अपना जो है वो स्टडी करना चाहते हो। तो सेम मतलब आपका जो टॉपिक है उसमें से ही आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑथर ने इस पर और क्या क्या स्टडी किया है, उसी से आपको आइडिया मिल पाएगी।
उसके बाद है टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। आपको उस अपने पूरे स्टडी को, होल स्टडी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करना है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है पहले कुछ दिनों में, उसके बाद जो है आपको लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाना है, उसके बाद जो है डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा आपको चैप्टर वाइज जो है वो क्या करना है, डिवाइड करना है, जिसकी वजह से आपका जो स्टडी है वो सफिशियंट टाइम पीरियड में और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। एंड लास्ट वन इज़ रेफरेंसेस, मतलब आपने अपना जो भी डेटा है वो कहाँ से लिया है उसके बारे में सारे रेफरेंसेस आपको देने हैं। मतलब यहाँ पे वेबसाइट्स आ सकती है, बुक्स के नाम आ सकते हैं, या फिर कुछ आर्टिकल्स का या जर्नल्स का लिंक यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, सो यही था आज का हमारा रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड जो है कि किस तरह से आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।